हेलो गाइस, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल का पहला केस सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखो केस क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रहेगा जहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या है, एक्स दिया हुआ है, कैपिटल एक्स। ये कैपिटल एक्स अपना क्या है, फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स है। ओके ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करें, वाई को अपन एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स का कोई फंक्शन होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, पी आई निकालेंगे विथ सी एफ। सी एफ तो निकालना पड़ेगा, प्लस पी आई भी निकालेंगे। और अगर आप यहाँ पे जीरो दिया हुआ है तो उस केस में क्या निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ सी एफ, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब चूंकि यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी एफ और पी आई दोनों निकालेंगे। ओके कोई क्वेश्चन को अगर मान लो आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, तो उस केस में क्या होगा, इसका कंप्लीट सोल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। ओके बट यहाँ पे जो है हम सिर्फ सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का टेक्निक। तो इस इक्वेशन को जो है हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस। ओके यहाँ पे अल्फा वन, अल्फा टू, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके तो विच कैन बी रिटन इन द सिंबॉलिक फॉर्म एज दिस इंटू वाई। देखो वाई क्या है, देखो कॉमन है, उसको वाई को बाहर निकाल दिया मैं, ठीक है। ये अपना क्या है, एन एथ डेरेवेटिव है। ओके ये अपना क्या है, एन माइनस वन डेरेवेटिव है, ठीक है। तो डेरेवेटिव पार्ट को अपन एक जगह पर लिख के कॉन्स्टेंट के साथ वाई को अपन बाहर निकाल लेंगे एंड दिस इक्वल्स टू एक्स। ओके सिंस हमें पता है डी अपॉन डी एक्स अपना क्या होता है, ऑपरेटर डी होता है, वैसे डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर होगा, ऑपरेटर डी का स्क्वायर होगा, एंड सो ऑन। तो उसी हिसाब से क्या किया अपन, इसको इस फॉर्म में इसको लिख दिया है। ओके तो जब पी आई निकालेंगे, यस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम पी आई निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, वन अपॉन में, वन अपॉन ये जो सिंबॉलिक फॉर्म आपको दिख रहा है, ओके ये जो सिंबॉलिक कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब जो वाई के जो कोएफिशिएंट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ओके कहाँ लिखेंगे इसको अपन, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। फिर यहाँ पे इनटू देके यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एक्स दिया जाएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके ओके पी आई के लिए हम क्या करते हैं, वन अपॉन में ये जो आपको सिंबॉलिक कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई दिया हुआ है इसको हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके फिर इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे टेकिंग वेरियस वेरियस केसेस। तो हमारा पहला केस जो यहाँ पर अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हेन एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यस दैट इज ई टू द पावर ए एक्स। ओके तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज फंक्शन ऑफ डी। ओके ये अपना क्या फंक्शन ऑफ डी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन ये जो पार्ट आपको लिखा है वन अपॉन में, ये अपना क्या है एफ ऑफ, देखो थोड़ा ऊपर रख लेते हैं इसको, यस ये अपना क्या हुआ एफ ऑफ डी हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ई टू पावर, यहाँ पे क्या लिखा था, देखो यहाँ पे एक्स लिखा था कि नहीं, यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, इस वाले पार्ट को लिखूंगा दैट इज ई टू पावर ए एक्स लिखूंगा यहाँ पे। ओके अब जब भी कभी आपको इस टाइप का दिया जाएगा तो उसको हम उस समय हम क्या करेंगे, वन अपॉन में जहाँ पे डी है, जहाँ जहाँ पे आपको डी दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, एक्स का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ दैट इज ए, उससे हम उसको रिप्लेस करें, दैट इज एफ ऑफ ए हो जाएगा इंटू ई टू पावर ए एक्स। ओके ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, प्रोवाइडेड क्या बताओ, तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका जीरो नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। जहां जहां इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वहां वहां हम क्या करेंगे, इस टाइप से उसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या बताओ, तो जहां जहां डी दिया हुआ है वहां हम क्या करेंगे, ए से उसको रिप्लेस कर लेंगे, सिर्फ डी की जगह हम क्या रखेंगे, ए को रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे एंड दैट विल गिव मी पी आई। ओके पी आई कौन से केस में बताओ, तो व्हेन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब एक्स क्या अपना है, क्या है कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म का दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम एक प्रॉब्लम देकर सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो क्या आपको इजी पड़ेगा। ओके तो लेट्स अप पहला प्रॉब्लम क्या आप, ओके फाइंड पी आई ऑफ डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स, यहाँ पे वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर फोर एक्स। ओके ये आपको लेट्स सपोज एक प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यस देखो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दिया है। ओके सिर्फ और सिर्फ मुझे पी आई निकालना है। ओके तो पी आई इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, वन अपॉन में, वन अपॉन में लिखेंगे किसको बताओ, तो इस फॉर्म को लिखेंगे,
जो जो वाई के कोएफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, वन अपॉन में लिखेंगे। तो यहाँ भी लिख लेते हैं अपन उस चीज़ को, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 5 डी प्लस प्लस 6। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इंटू ई टू पावर, यहाँ पे जो दिया है एक्स, एक्स होता है, यहाँ पे क्या दिया है ई टू पावर 4x, यहाँ पे लिख दिया हमें। ओके, अब क्या करेंगे बताओ। तो सिंस यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पे डी दिख रहा है वहां हम क्या करेंगे उसको 4 से रिप्लेस कर लेंगे। ओके, बिकॉज 4 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स। यहाँ पे वही करेंगे, दैट इज वन अपॉन में क्या हो देखो, यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, ऐसे कर लिए। यहाँ पे लिखो ई टू पावर 4x, इसको लिखना पड़ेगा है ना, अगर उसको नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा वहाँ पे बिल्कुल भी। अब यहाँ बताओ क्या होगा, 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 और ये 6 22। यहाँ बताओ क्या है, माइनस में 5 इंटू 4 दैट इज 20, तो 22 माइनस 20 विल गिव यू 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 टाइम्स ई टू पावर 4x। ओके, तो ये अपना क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।